हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। और इसमें मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ तो आवाज़ें मिलती रहती हैं आपको, तो इग्नोर कीजिए और वीडियो आगे कंटिन्यू करना। यहाँ पे एक सब्ज़ी बन गई है आलू टमाटर और बहुत सारे धनिया के साथ, और एक बनने जा रही है क्योंकि मम्मी को और सब मम्मी को ही ज़्यादातर रस्से वाली सब्ज़ियाँ पसंद हैं, तो इनके लिए सूखी बनेंगी। और धैर्य तो टिफिन लेके चले गए हैं स्कूल, और यहाँ पे मैं गायब हो चुकी हूँ क्योंकि पापा ने बुला लिया था सरगम को दूध पिलाने के लिए, और सरगम को सुलाना है झूले में, तो मैं झूला ठीक करने गई थी और उसको पापा ने झूले में लिटा दिया था, तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ा सा और झुला दूँ, नहीं तो जग जाएंगे तो फिर सब प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा को भी नहाने जाना है और मम्मी भी नहाना, अभी तो मम्मी नहाने गई हैं, फिर पापा नहाएंगे, फिर नाश्ता पानी होगा। अभी पूजा पाठ बंद है क्योंकि अभी चल रहे हैं सूतक, तो यहाँ सरगम है ना, मुझे बात करते देख देख के उसको ऐसा लग रहा है मुझसे बात कर रही है, तो बीच बीच में उसकी भी आवाज़ें आती रहेंगी। और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो ये मैंने शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, प्याज कट कर लिया, टमाटर कट कर लिया है, एक मिर्ची और इतने आलू मैंने बचा लिए थे, वो मैं सूखी भाजी बनाऊँगी। इनको सूखी भाजी बहुत पसंद है। वैसे तो अभी यही कहते हैं आलू नहीं बनाया करो, पर कभी ना कभी तो आलू का नंबर आएगा ही, जो हम लोग रोज़ खाते थे। अभी तो मैंने काफ़ी कम कर दिए क्योंकि बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं, पर हरी सब्जियों का वही प्रॉब्लम है कि अभी इतना टाइम नहीं हो पाता कि उनको काट कूट के रखा जाए। जैसे मूली की पत्ती है, मूली की मेथी है, पालक है, इन सब में बहुत टाइम लगता है, तो सुबह सुबह तो और भी नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलो आज बना ही देते, बोल तो रहे थे कि अब तू फिर से आलू शुरू कर दिए खिलाना है। मैंने बॉयल्ड आलू इतने नुकसान नहीं करते हैं, तो और नए आलू होते हैं ना तो उनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, फिर तो वही पुराने पुराने आलू मीठे मीठे से लगते हैं। ये नए आलू की हर चीज़ में है ना अपना अलग ही स्वाद लगता है। तो बस इनको मैंने अच्छे से इनको भूनने के लिए डाल दिए हैं सब मसाले, और ये पका लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के, और बस आलू तो उबले ही हैं, तो अच्छे से ये बन जाएगी भाजी और बहुत फटाफट और बहुत टेस्टी बनने वाली है। सबको ही पसंद आती होगी, शायद ही कोई होगा जिसको ये आलू की सूखी सब्जी नहीं अच्छी लगती होगी। हमारे यहाँ तो बड़ी फेवरेट है, इनकी तो बहुत है, इनकी इधर की। और तो साइड में ये भी बन जाएगी, वो तो बनी गई है, और अब मैं बनाऊँगी पराठे जैसे ही पापा या मम्मी कोई भी निकलेगा नहा के। तो और आज दहर की बस नहीं आई थी, उसमें कोई फॉल्ट हो गया था तो छोड़ने जाना पड़ा था। वैसे तो नहीं जाते हैं कभी, फॉल्ट नहीं मतलब वहाँ ख़राबी हो गई थी, फ़ोन आया था अंकल का, मैसेज भी आ गया था और फ़ोन भी आ गया था। तो अभी इनके एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है दहर की, तो कंपलसरी है जाना, नहीं तो सर बोल रहे थे अगर आप लोग नहीं आओगे तो है ना नाम कट कर देंगे, इसके लिए इनको जाना पड़ा था। तो ये छोड़ने गए थे तो फिर आके लेट गए हैं, तो ये बहुत लेट उठे थे, बहुत लेट। इनको तो क्या सोने के बहाने चाहिए कि हाँ ये हो गया था वो हो गया था, और रात को बोलते मुझे नींद नहीं आई थी, फोन देखते रहे।
और यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी पहले ही, तो पापा आ गए हैं, पराठे बन गए हैं। अब मैं उनको थाली लगा के देने जा रही हूँ। और ये देखिए, आपको दिख रही होगी, रसे वाली सब्जी है। और धनिया मैंने बहुत सारा डाला था, क्योंकि मैं देसी धनिया लेके आई थी, तो सब्जी में डालने से उसका सब स्वाद ही अलग हो जाता है। और ये ले लिया है पानी, और उनको दे के आई हूँ थाली। अब उनके पराठे बना दूँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी। बाद में मम्मी दवाई वगैरह खा लेंगे, उसके बाद फिर उनके बनाएंगे। और अभी पति देव तो सो रहे हैं, वो बहुत लेट उठे थे, 11:30 पे उठे थे। फिर उनका नाश्ता पानी मैंने बनाया था, तो मैं वही बोली थी, ये नाश्ता कर रहे हो कि आप, है ना, दोपहर का खाना खा रहे हो, पर नींद पूरी हो गई, वो भी एक अच्छा रहता है। नहीं तो सुबह सुबह से, है ना, आलस बना रहता है, कोई काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे बन गए मेरे पराठे। और हाँ, और सरगम भी बात कर रही है मुझसे, आप लोगों से बात करेगी सरगम, अभी और बड़ी हो जाएगी तब। और कोन रखा था, तो कल मैंने, है ना, मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि कोन, है ना, सूख गए थे, उसमें कुछ डिज़ाइन नहीं बन रही थी बराबर से, छोड़ छोड़ के चल रहे थे। तो मैंने कहा लाओ यही लगा लेते हैं, उंगलियाँ रंग जाएंगी। और मुझे मेहंदी लगाने में बहुत अच्छा लगता है, शौक़ बहुत है। अभी, है ना, 1-1.5 साल से मेरी मेहंदी बिल्कुल छूट सी गई थी, जब ये होने को थी, और उसके बाद भी, तो ये दोपहर में कल सो गई थी, तो मैंने इतना सही लगा ली थी, और अभी शादी में तो लगाई थी। तो और इतने में बन गया है मेरे नाश्ता के पराठे सारे, जितने भी मतलब मुझे बनाने हैं अभी। फिर मैं बंद करके आगे जाऊंगी, फिर मैं अपने लिए अपना नाश्ता बनाऊंगी, जो क्या है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें खानी अभी थोड़ी बंद कर रखी हैं। जितना हो सकता है, इच्छा हो जाती है तो खा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना कम खाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने काट लिए थे टमाटर, शिमला मिर्च और ककड़ी, और सरगम जो पता ही है पहले आपको, यहाँ पे मैं सुला के गई थी, तो उसका भी झूला मैं ऐसे पैर से उसके व्हील में, है ना, हिलाती रहती हूँ, तो वो झूलती रहती है, तो सोती रहती है। नहीं तो अगर बहुत टाइम तक अगर झूला हिलाओ नहीं ना, तो वो जग जाती है। अभी टाइम हो रहा होगा 9:30 हो रहे होंगे, मैंने देखा नहीं है। तो बस इसको ही मैं खाऊंगी आराम से, धीरे धीरे चबा चबा के। अभी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाने की आदत डाल रही हूँ, जिससे जो देखते हैं असर करता है कि नहीं करता है, सुनते तो बहुत हैं कि 32 बार चबा के खाना चाहिए, तो उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। टाइम भी बहुत लगता है, पर खाना कभी कभार अच्छे से जैसे खा पाती हूँ, पूरा कर लेती हूँ, तो वाकई थोड़े से खाने में ही पेट भर जाता है, ये चीज़ तो है। और कितना काम करता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही था मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट। चाय तो पी थी, अब चाय में मैं बिल्कुल प्लेन पीने लगी हूँ, गुड़ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि गुड़ भी, मतलब गुड़ में भी कैलरी होती ही है, चीनी में थोड़ी ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि गुड़ में बिल्कुल नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो उसको छोड़ देते हैं, जितना हो सकता है उतना तो छोड़ने की कोशिश कर ही रही हूँ। फिर कभी कभार मन नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाती, तो कभी कभार मीठा हो भी जाता है, पर जो रेगुलर वाला है कि नहीं चाय पीनी है तो उसमें मीठा होगा ही, वो हटता जा रहा है या कम करती जा रही हूँ। और आगे आगे मैं मतलब जो कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, उससे कितना फ़ायदा होता है नहीं होता, वो तो आप लोगों को दिखेगा ही, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। उसके लिए ना फिर मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ चाय और मखाना, चाय विदाउट शुगर, विदाउट गुड़, और मखाने में भी सॉल्ट नहीं है। सिर्फ हमारे शरीर को, है ना, चीनी ही नुकसान नहीं करती है, नमक भी उतना ही नुकसान करता है। अगर हमारा वेट बढ़ने का प्रॉब्लम है तो नमक भी उतना ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि उससे शरीर में, है ना, सूजन और ये पानी पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे शरीर ज़्यादा फूला फूला लगता है। तो अभी मैं उसको ही खा रही हूँ, मम्मी को दे के आई हूँ। मैं ममरा बनाने जा रही थी, पर ममरा नहीं बन पाया, तो मुझे याद आ गया कि लाओ चलो मखाने रखे हैं बहुत टाइम से, उनको ही सेक लेते हैं, नहीं तो उसमें भी स्मेल सी आ जाती है। और ये शाम का अच्छे से नाश्ता हो जाएगा, घी में सेक लिए थे, और कपड़े भी घड़ी करने हैं, उनको भी घड़ी करूँगी। और सरगम अभी सो रही हैं, और देर से मैं बातें करती जा रही हूँ, देर कुछ कर रहा है तो मैं बोली ऐसे मत करो वैसे मत करो, वही है उनका, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और अभी मैंने ना मालिश भी करवानी स्टार्ट कर दी है, तो मालिश वाली आती है शाम के टाइम 7:30 पे आएंगी, तो वो अच्छी मालिश करती है, उससे बॉडी में जो भी पेन था हाथ पैरों में, जॉइंट्स वगैरह में, वो सब काफ़ी कम हो गया है। बहुत अच्छी सी मालिश करती हैं वो, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो अभी बस मैं ये नाश्ता करने के बाद, थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम है उसको निपटाने के बाद, अपने
कपड़े चेंज करूँगी जिसमें मैं मालिश करवाती हूँ, मतलब गाउन जैसा है वही पहन लेती हूँ, और वो करके चली जाती है, अच्छे से मालिश हो जाती है। और बोलती हुई पूरी नाइट ऑयल रहता है ना बॉडी में तो ज़्यादा असर करता है। मैंने अच्छा सुबह के टाइम तो ना उनके पास टाइम है ना मेरे पास, और बस चाय पीने के बाद मैंने कहा ये कपड़े घड़ी कर लेते हैं, और धैर्य अपना सीरियल देखता रहता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसको बहुत पसंद है तो वही देख रहा हूँ। मैंने कहा ये कपड़े घड़ी कर लूँ, और सरगम को ऐसा लग रहा है मुझसे बात नहीं की जा रही है, हाँ आपसे बात कर रही हूँ। और सरगम बहुत गुस्सा हो गई थी, उसको ऐसा लग रहा था मम्मा है ना फ़ोन पर बात कर रही है किसी से, मुझसे बात नहीं कर रही है। और जिस दिन वो दोपहर में सोती नहीं ना तो और चिड़चिड़ी हो जाती है, वही हुआ। उसको सुलाते सुलाते 5 बज गए थे, और वो फिर मैंने चाय बनाई, चाय वाय पी, फिर मैंने फ़ोन उठाया, वो मेरा वीडियो बना कब बनता है, कब रिकॉर्ड होता है, वॉइस ओवर हो पाता है, ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि रात में भी वो पास में सोती है ना तो उसके ऐसा लगता है जग नहीं जाए तो वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो बन नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मैं सॉक्स को है ना एक दूसरे के अंदर अच्छे से रख के, और ऊपर से उनको एक मोजे के लेयर बना के उसके अंदर से ऐसे घुसेड़ के रख देती हूँ, जिससे वो अच्छे से मतलब इजीली मिल जाते हैं, इधर उधर नहीं खोते हैं। और जो बड़े बड़े हैं लंबे होते हैं उनको बांध देती हूँ, लंबे वाले हैं ना पापा ही पहनते हैं, इन्होंने तो सारे अपने छोटे छोटे ही पहनते हैं आजकल। और बस इसके बाद तो मैंने क्या बनाया था कल, मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मेथी मैंने काट ली थी दोपहर में, हरी सब्ज़ी मैं दोपहर में ही काट लेती हूँ अगर सरगम सो जाती है तो, नहीं सोती है तो कुछ भी नहीं हो पाता है, सब पड़ा ही रहता है। तो वही बना दी थी, आटा गूंद दिया था, और वो मालिश वाली कल थोड़ा लेट आई थी तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, मतलब मेरा काम तो हो गया था पर पापा आ चुके थे उसके बाद तक मेरी मालिश चल रही थी, फिर वो गई तब मैंने उनको चाय वगैरह बना के देती हूँ, फिर खाना बनाया था और कपड़े हो गए हैं फोल्ड। सरगम को घुमा रहे हैं, सरगम बहुत खुश हो जाती है, उसको घूमना तो वैसे ही बहुत पसंद है पर जब धैया लेता है तो और खुश हो जाती है। उसका मुंह दिखा रही, देखो ऐसे ऊपर देखती रहती है, नीचे देखेगी नहीं, और देखो उसे लटकी हुई है, उसको बराबर आता नहीं है पर फिर भी ये लटक जाती है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि मैं गिरूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये एक दो राउंड लगा देगा उसमें ये खुश हो जाती है। और ये देखिए ये लेके कैसे लेके जा रहा है, और वीडियो का भी एंड हो जाएगा इसी के साथ ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर